हमारे सहयोगी विवेक मौजूद है। विवेक, क्या तैयारियां वहां पर की गई है, क्योंकि कहा गया है समुद्र तट से सभी दूर रहे, अनाउंसमेंट भी सुनी जा रही थी। बिल्कुल, अनाउंसमेंट की जा रही है और साहब आपको बताएं कि जिस वक्त अभी हम यहाँ खड़े हैं, कोशल एरिया है पूरी का, और जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये जो लाल झंडा इस वक्त आप देख पा रहे हैं, और ये लाल झंडा कई तरह के इशारे कर रहा है। इशारा बस यही है कि खतरा है, यहाँ पर बूंदाबांदी शुरू हो गई है, और जो यहाँ पर ठहर पाना और जो बताया जा रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, वो चलनी यहाँ पर शुरू हो गई है। लेकिन जो अभी इस वक्त जो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ से 200 से 300 किलोमीटर, तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर असर व्यापक तौर पर देखा जाने लगा है, और जो समुद्र में जो लहरें हैं और जो मौसम है, ये लगातार खराब होता जा रहा है, हवाएं तेज हो गई है, और ऐसे में यहां पर एहतियात के तौर पर सायरन बजाए जा रहे हैं, लोगों को हटाया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि जान माल का कोई नुकसान ना हो। और जैसा कि हमने कहा कि प्रशासन के जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, वो है कि जीरो कैजुअल्टी हो, और इसके लिए क्योंकि हम आपको लगातार उस पते पर हम ले भी जाएंगे जहां पर 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, लेकिन वहां पर 70,000 लोग अभी हैं जिन्हें अभी दूसरी जगह पर ले जाना है, और ऐसे में छोटे छोटे पॉकेट्स भी बनाए गए हैं जहां पर कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को रखा जाए, शेल्टर हाउसेस टाइप के, उन स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को भी खाली कराया गया, जिसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई, और वहां पर लोगों की कैपेसिटी के मुताबिक लोगों को रखा जाएगा, उनके भोजन पानी की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की चिंता होगी, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन पर विशेष तौर पर सरकार ने फोकस किया। तो फिलहाल ये जो ऊंची उठती हुई जो लहरें हैं, ये आपको बहुत कुछ बताएंगी कि किस तरीके से जो चक्रवातीय तूफान है उसने अपनी जा रही है। इसके अलावा लोगों को बोला जा रहा है कि आप डरिए मत, आपकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया हुआ है। लेकिन आप वो बताइए, 5 और राज्य बताए जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल और साथ ही उड़ीसा के अलावा 5 वो राज्य जहां पर दाना तूफान का असर देखने को मिलेगा, वहां उसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, बंगाल और आंध्र प्रदेश, इनको विशेष तौर पर फोकस किया गया है, बंगाल और आंध्र प्रदेश। और जैसा कि हमने आपको बताया भी कि यहाँ पर जो होटल्स थे उसे खाली करा लिया गया है, लेकिन वहाँ जो बंगाल के लोग फंसे हुए हैं उनका ये कहना है कि हम कैसे जाएंगे, और वहाँ भी वैसी ही तबाही मचने वाली है। लेकिन इसके लिए जो रिपोर्ट्स आ रही है, हम आपको बताएं कि अभी जो मेरे पास जो अभी बड़ा अपडेट है वो ये है कि केंद्रापाड़ा, जगत सिंहपुर, धामरापुर, भीतरकनिया, मयूरभंज, ये ऐसे तटीय इलाके हैं जहां पर गंभीरता से ये तूफान टकराएगा। हम तक पहुंचा रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि प्रशासन सरकार के क्या इंतजाम किए गए, लेकिन आप भी अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया, लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए। और देखिए, लगातार राज्य सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही, चेतावनी जारी की गई, कुछ और तस्वीर और अपडेट आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। देखिए आप, ओडिशा से बंगाल दाना करेगा बेहाल, दाना की आहट तबाही होगी विकट। चक्रवाती तूफान दाना जैसे जैसे ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है, उसने बंगाल से बिहार तक के लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। कोलकाता में एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, उड़ानें रोक दी गई हैं, ओडिशा के कई जिलों के लोग सहमे हुए हैं, गांव के गांव खाली करा लिए गए हैं। यही नहीं, 14 जिलों के 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। तूफान दाना का सबसे ज्यादा खतरा ओडिशा में होने का अनुमान है, इसीलिए वहां तैयारी भी बड़ी है। ऐसी परिस्थिति में हम जानो माल की रक्षा कैसे करें, यही हमारा पहला कर्तव्य है। मैं धन्यवाद दूंगा मोहन मांझी जी को, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, और तमाम उनके कैबिनेट के साथी और मंत्रियों को, सभी ने लगातार बैठकें ली हैं, और इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक एक मंत्री को भी अलॉट किया गया है, प्रशासनिक अधिकारी अलग से लगाए गए हैं इसको ओवरसी करने के लिए। पूरी के लिए 179 साइक्लोन शेल्टर होम्स बनाए गए हैं। जल्द ही तूफान के ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, साथ ही इसकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। चक्रवाती तूफान दाना के संभावित प्रभावों को देखते हुए पूर्वी तटीय रेलवे के क्षेत्र में एहतियात के तौर पर कल तक कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया गया है। ओडिशा सरकार ने खतरे के मद्देनजर स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है, साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों को हर हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है।
तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है आने वाले साइक्लोन को डील करने के लिए। जीरो कैजुअलिटी हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा टारगेट है और हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि हम उसको अचीव करेंगे। उधर बंगाल में दाना की आहट को लेकर प्रशासन सतर्क है। कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आज शाम 6 बजे से कल सुबह 9 बजे तक सभी उड़ानें रद्द रहेंगी। यहां दोपहर बाद मौसम खराब होने का अनुमान है। 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। खुद सरकार जनता को भरोसा दे रही है कि वो हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हमारे कलकत्ता में सब पंपिंग स्टेशन एटोज है, रेडी है। वहाँ का इलेक्ट्रिक सप्लाई ठीक रहे इसके लिए CSC से लगातार हमारा कॉन्टैक्ट है, और अगर रास्ता में पानी ना जमे इसके लिए बोरो का इंजीनियरिंग टीम और पंप ये रेडी रहे। फिलहाल तूफान दाना का खतरा बंगाल से लेकर ओडिशा तक मंडरा रहा है। ऐसे कई राज्य हैं जिन पर सीधे तो नहीं लेकिन इसका असर देखने को मिलेगा। यही वजह है कि तूफान ने लोगों के टेंशन बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आपको और ज्यादा जानकारी देते हैं कि आखिरकार कहां कहां डेंजर जोन है। केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, जगत सिंहपुर, कटक, पुरी, ये उड़ीसा की जगह है जहां पर ये कहर बरपा सकता है। इसलिए प्रशासन की तरफ से इन इन जगहों पर पहले से चेतावनी जारी की गई कि आप सावधान हो जाइए। इसके अलावा आपको स्टेट्स की अगर बात करें कौन कौन सी जगहों पर, और देखिए कोलकाता की बात करें, बांकुरा, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में कहां पर और उड़ीसा में कहां कहां पर कहर बरपा सकता है दाना तूफान, इसकी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। उड़ीसा का मैप आप देख लीजिए और ये तमाम वो जगह जो कि डेंजर जोन घोषित की गई है। यहां पर अगर आप जाते हैं तो आप फिलहाल खतरे से खाली जगह नहीं, प्रशासन की तरफ से पहले से चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की जगहें भी आपको बताते हैं, जैसे कि पूर्वा, मेदिनीपुर, इसके अलावा बांकुरा और कई ऐसी जगहें, हावड़ा, हुगली, उत्तर दक्षिणी 24 परगना और इसके अलावा पूर्वा, ये तमाम जगहें आपको पश्चिम बंगाल की हम आपको बता रहे हैं। इसलिए प्रशासन की तरफ से पहले से ही आप लोगों को अलर्ट किया गया है कि जो जो भी इन जगहों पर रहते हैं आप लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने वाली है और बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और चलिए इसी बीच अब आपको बताएंगे कि दाना तूफान से कैसे बचाव आपको करना है। देखिए अलर्ट मोड पर है ICG की नॉर्थ ईस्ट विंग, लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। रेस्क्यू का पूरा इंतजाम है, सुरक्षित स्थानों को तैयार किया गया। 8000 से ज्यादा गर्भवती महिलाएं अस्पताल भेजी गई हैं ताकि उनको किसी भी तरह की समस्या ना हो। 700 इलेक्ट्रिकल गैंगमैन जो हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा दक्षिण पूर्व रेलवे ने 150 से ज्यादा ट्रेनें भी रद्द कर दी हैं, ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। इसके अलावा पूर्वी रेलवे ने 198 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है। तो ये बड़े कदम एहतियात के तौर पर उठाए जा रहे हैं। कल सुबह 10 बजे तक आपको बता दें सियालदह स्टेशन से सभी ट्रेनों को रोका गया है ताकि किसी भी तरह से कोई बड़ा हादसा ना हो, इसलिए